ब्राह्मणों की पहचान उनके संस्कारों से होती है। हम समाज के बीच रहते हैं, समाज में अच्छाइयां लाएं, बुराइयों को दूर करें। ईश्वर भी हमसे यही चाहता है, हम भी प्रसन्न रहें और दूसरों को भी प्रसन्न रखें। यह बात परशुराम कॉलोनी में भगवान परशुराम के भव्य मंदिर निर्माण की भूमि पूजन व अन्नकूट महोत्सव के दौरान अतिथि गणों द्वारा व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम हमारे आराध्य देव हैं। खातेगांव नगर में भगवान परशुराम के मंदिर निर्माण की बहुत लंबे से समय से प्रतीक्षा थी, जो पूरी होने जा रही है। इसके लिए सभी ब्राह्मण बंधुओं को बधाई के पात्र हैं। खातेगांव स्थित परशुराम कॉलोनी में भगवान परशुराम के मंदिर निर्माण हेतु सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा सबके सहयोग से मंदिर निर्माण का भूमि पूजन चिन्मय धाम आश्रम से ब्रह्मचारी विठल दास महाराज, बड़े बाबा आश्रम से राम स्वरूप जी शास्त्री, खाक चौक आश्रम से तपस्वी बाबा के कर कमलों द्वारा मंदिर निर्माण भूमि का पूजन किया गया। यह भूमि पूजन विधि विधान से किया गया। सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा अन्नकूट महोत्सव प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें खातेगांव तहसील के गांव के अनेकों विप्रजन पहुंचते हैं, अपने आराध्य भगवान परशुराम जी को अन्नकूट के माध्यम से समाज में एकता अखंडता व संस्कृति को जिंदा रखने के लिए विचार विमर्श किया जाता है। आज इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा, समाज सेवी राजू भाई तिवारी कन्नौद इंदौर वाले, नगर पंचायत अध्यक्ष नीलेश जोशी, सर्व ब्राह्मण समाज परशुराम ग्रुप के अध्यक्ष शैलेंद्र पुरोहित, एडवोकेट गिरधर गोपाल तिवारी, पार्षद प्रतिनिधि अजय तिवारी, राजेंद्र व्यास, किशोर दुबे, संतोष शर्मा आदि वरिष्ठ जनों ने इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नियम तो यह है, समय की मांग ऐसी है कि भौतिक उद्देश्य, भौतिक संगठन और भौतिक शक्ति के बिना हम सबके साथ पैर मिला। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।